हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो भाई साहब, यहाँ पर हमारी वॉर लग चुकी है CWL। कुछ अपोनेंट बहुत तगड़ा है भाई। इस बार 14 से 15 पे अटैक करने पड़ेंगे हमें। यहाँ पर चलेंगे भाई साहब डायरेक्ट अटैक पे। आप चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। कुछ ऐसा सा दिख रहा है स्टार्टिंग का लेआउट। 14 से कर रहे हैं भाई यहाँ पर अटैक। हमने फनल ले लिया है बेबी ड्रैगन के साथ। आर्मी आ गई हमारी। इलेक्ट्रो ड्रैगन बलून ब्लिंक टू वार्डन। वार्डन की एबिलिटी आ गई है। किंग एंड क्वीन भी आ गए हैं बाहर की तरफ से। ब्लिंक तो चले गई है भाई टाउन हॉल तक। कोर में हमने फ्रीज़ किया है। पीछे से इलेक्ट्रो ड्रैगन को रेज़ किया है और ब्लिंक पे टाउन हॉल तक पहुंच गई है। वहां से हमें टाउन हॉल मिल जाएगा और काफ़ी पावरफुल तरीके से आर्मी आगे बढ़ चुकी है यहाँ पर हमारी। रॉयल चैम्पियन का भी डिप्लॉयमेंट कर दिया है हमने। कोर में एक सिंगल टारगेट इन्फर्नो है जो थोड़ा दिक्कत दे सकता है, इसलिए हमने वहाँ पर फ्रीज़ किया है। इस तरफ से इलेक्ट्रो ड्रैगन बढ़ रहे हैं आगे को। तरफ से RCB आ गई हमारी। सिंगल ने पकड़ लिया है और ये रॉयल चैम्पियन की हमने एबिलिटी दे दी है जो कि बूम करके भाई डिफेंस उड़ गए हैं। तो भाई काफ़ी पावरफुल तरीके से ये अटैक भी 3-स्टार हो गया है एक इनविजिबिलिटी स्पेल स्वैग के साथ। चलेंगे आज के नेक्स्ट अटैक पे। और ये आखिरी RC पैड बचा है। और ये राहुल जी खत्म। आज का दूसरा हमला डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर। लाइटनिंग से एयर स्वीपर को जैप कर दिया है। फनल के लिए हमने कुछ नहीं डाला है यहाँ पर, क्योंकि हमारे EDs पुश हो जाएंगे आगे को। सारे के सारी आर्मी आ गई हमारी। और वार्डन एबिलिटी में ब्लिम टाउन हॉल तक चले गई है। पीछे से रेस, इस तरफ से किंग एंड क्वीन। टाउन हॉल तक ब्लिम्प पहुंच चुकी है और टाउन हॉल फ्रीज़ करना पड़ा और टाउन हॉल मिल गया हमें यहाँ पर। रॉयल चैम्पियन का भी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है इस तरफ से। कोर में अच्छे खासे इलेक्ट्रो ड्रैगन पुश हो गए हैं। टाउन हॉल के पॉइजन में भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन स्लो हो गए थोड़े बहुत। तीनों हीरोज़ की एबिलिटी बाकी है भाई अभी। टाइम देख सकते हैं ऊपर आप, 1 मिनट बाकी है अभी। 70% की वैल्यू मिल गई है, सॉरी 2 मिनट बाकी है। 1 मिनट में हमने 70% की वैल्यू खींच दी है भाई यहाँ पर। हालांकि हमारे सारे के सारे ED गिर गए हैं, पर दिक्कत वाली बात नहीं है कोई भी। हीरोज़ हमारे एबिलिटी में चल रहे हैं अभी तीनों के तीनों। RC की एबिलिटी दे दी है भाई हमने यहाँ पर। किंग एंड क्वीन की एबिलिटी बाकी है। और ये बेस लेआउट काफ़ी पावरफुल तरीके से 3-स्टार हो चुका है भाई। किंग एंड क्वीन की एबिलिटी भी लगा दी है। चलेंगे आज के नेक्स्ट अटैक पे। आज का तीसरा हमला शुरू करेंगे यहाँ पर। लाइटनिंग से जैप कर दिया है एयर स्वीपर को। उस तरफ से पनल वाले ट्रूप आ गए हैं बेबी ड्रैगन और दो लून और सारी आर्मी आ गई है हमारी। ब्लिंप आ गई है, वार्डन आ गया है, वार्डन की एबिलिटी आ गई है। किंग एंड क्वीन बाहर की तरफ से आ गए हैं। ब्लिंप जा रही है टाउन हॉल के लिए। मोनोलिथ को फ्रीज़ किया है और ब्लिंप टाउन हॉल तक पहुंच चुकी है। रेज़ किया है वहाँ पर, वहाँ से टाउन हॉल मिल जाएगा हमें। पीछे से ED पुश हो रहे हैं। अपोनेंट की शीशी में से ट्रिपल आइस गोलम देखने को मिल रहे हैं, जो कि भाई साहब काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं हमारे ट्रूप्स के। यहाँ पर क्वीन को इन्वी किया है हमने। वहाँ से शीशी भी आ रही थी भाई। ऊपर की तरफ से 2-3 ड्रैगन बचे हैं। इस तरफ के ड्रैगन सारे के सारे निपट गए हैं भाई। रॉयल चैम्पियन की एबिलिटी भी लग गई है यहाँ पर। किंग एंड क्वीन के पास अभी एबिलिटी है और बढ़ रहे हैं हमारे ट्रूप्स आगे। हमारे हीरोज़ भी बढ़ रहे हैं भाई डिफेंसेस को तोड़ते हुए। डिफेंस के नाम पे यहाँ पर एक एक्सबो बची है जो कि हमारा किंग निकाल देगा भाई। यहाँ पर किंग की एबिलिटी लगा दी है हमने। रॉयल चैम्पियन निकालने लग गई है एक्सबो को। टाइम भी देख सकते हैं ऊपर पे आप, 1.5 मिनट अभी बाकी है हमारा। और काफ़ी पावरफुल तरीके से इस लेआउट को भी निपटा दिया जाएगा ED के द्वारा। हालांकि इलेक्ट्रो ड्रैगन एक भी नहीं बचा है लास्ट पे हमारा। हमारे किंग एंड क्वीन बचे हैं फुल हेल्थ पे। क्वीन के पास एबिलिटी भी है। कोर में एक क्लैन कास्टल बचा हुआ है जो कि क्वीन हमारी ईजिली निकाल देगी। तो भाई चलेंगे आज के नेक्स्ट अटैक पे। आज के वॉर का चौथा और आखिरी हमला यहाँ पर 15 से 16 पे कर रहे हैं भाई। स्टार्टिंग में लाइटनिंग से जैप कर दिया है एयर स्वीपर को। फनल ट्रूप आ गए हैं, दो लून एंड बेबी ड्रैगन।
सारी आर्मी आ गई है, इलेक्ट्रो ड्रैगन, बलून, लिंप, किंग, क्वीन, वार्डन, वार्डन की एबिलिटी, रेज आ गया भाई यहाँ पर, उस तरफ भी रेज आ गया है, कोर में फ्रीज आ गया है, टाउन हॉल पे रेज आ गया है और सारी की सारी आर्मी पुश हो रही भाई आगे। टाउन हॉल मिल चुका है हमें वहाँ पर, ईगल को जमाया है हमने, कोर वाला शिंगल थोड़ा दिक्कत दे रहा है। वर्ल्ड चैंपियन का आना भी बाकी है भाई, 50% की वैल्यू मिल गई हमें। वर्ल्ड चैंपियन का भी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है इस तरफ से, 9 o'clock की तरफ से। किंग एंड क्वीन चल रहे हैं भाई पावरफुल तरीके से आगे। इनविजिबिलिटी स्पेल बची है हमारे पास यहाँ पर, एक अटैक काफ़ी पावरफुल तरीके से आगे को बढ़ रहा है भाई। ओपोनेंट की रॉयल चैंपियन हमारे चैंपियन से भिड़ चुकी है, ओपोनेंट की चैंपियन यहाँ पर बच नहीं पाएगी। यहाँ पर आरसी की एबिलिटी भी लगा दी हमने, एक्सपो बचाया भाई, एक डिफेंस जो कि रॉयल चैंपियन तोड़ने पे लगी है पर तोड़ नहीं पाई भाई। किंग एट क्वीन के पास एबिलिटी है, यहाँ पर हमने किंग की एबिलिटी लगा दी है भाई। और ये अटैक, ये बेस लेआउट भी काफ़ी पावरफुल तरीके से 3 स्टार हो चुका है एक इनवी स्पेल स्वैग के साथ। तो भाई साहब इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ इस वॉर को हम हार चुके हैं।